स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा प्लान है 20x35 का, एरिया 600 स्क्वायर फीट है और इसमें मैंने 2BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो आइए इस प्लान को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं लगाई गई हैं। तो सबसे पहले तो ये पूर्व मुखा घर का नक्शा यानी कि ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। ये वाला डायरेक्शन आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका फ्रंट साइड है इसके प्लान का, और ये वाला डायरेक्शन आपका दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम है और ये उत्तर हो जाएगा। तो ये एक विलेज हाउस प्लान भी है। तो आइए इस प्लान को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ से ये वाला एरिया आपका बरामदा हो जाएगा। यहाँ से मेन एंट्री है, यहाँ से रहेगा आपका। तो इधर से भी आपका ओपन बनाया गया, इधर से भी ओपन बनाया गया और बीच में यहाँ पे कॉलम दे दिया गया है। तो ये आपका बरामदा हो जाएगा, ओपन बरामदा। और यहाँ पे मैंने बरामदा से ही यहाँ पे स्टेयर बना दिया है, क्लॉकवाइज स्टेयर जो है बना दिया है। इसमें स्टेयर के पहले आपको यहाँ पे एक विंडो दिखाई देगा जो कि बाहर से देखने में ये विंडो काफ़ी अच्छा लुक देगा इसमें। तो इसमें कांच का जो विंडो होता है वो लगाया जाता है और यहाँ पर भी मैंने विंडो प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपका मेन डोर है, मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आप सीधे लॉबी में एंट्री कर जाएंगे। लॉबी में एंट्री करने के बाद आपको इस साइड में आपको किचन मिल जाएगा और बीच में कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिल जाएगा। ये जो है इनके दरवाजे हैं और यहाँ पे मैंने किचन में विंडो प्रोवाइड कर दिया है, स्टेयर के नीचे जो है विंडो लगा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे की साइड में दो बेडरूम मिल जाएंगे और ये जो है इनके दरवाजे हैं। सबसे पहले प्लाट का साइज़ देखते हैं तो ये रहेगा 30 फीट गहराई रहेगी इसकी प्लाट की, और चौड़ाई जो है ये रहेगा 20 फीट चौड़ा होने वाला है। और आते हैं अपने ओपन बरामदा पे। तो बरामदा का जो साइज़ मैंने रखा ये रहेगा 6 फीट बाई 9 फीट का हमारा बरामदा हो जाएगा, यानी कि 6 फीट गहराई और 9 फीट यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई रहेगा। इसके बाद जो हम आते हैं अपने स्टेयर पे, तो स्टेयर का साइज़ मैंने रखा है 6 फीट जो है आपका रहेगा, वाइड रहेगा 6 फीट। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट रहेगा और प्रत्येक स्टेयर आपका 3 फीट का बनाया गया है। इसमें 3 फीट का प्रत्येक स्टेयर रहेगा इसमें भी, और इसकी जो गहराई रहेगी ये रहेगी 10 फीट रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 4 फीट चौड़ा मेन डोर मिलेगा। मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आप सीधे लॉबी में एंट्री कर जाएंगे। तो लॉबी का जो साइज़ मैंने रखा ये रहेगा 9 फीट 4 इंची चौड़ा और 11 फीट 5 इंची गहराई मिल जाएगी। 11 फीट 5 इंची लॉबी का गहराई मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने किचन में। किचन के पहले आपको कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिलेगा जिसका साइज़ मैंने रखा है 5 फीट बाई 6 फीट का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ हो जाएगा, और इसके डोर का साइज़ 3 फीट रहेगा टॉयलेट का। इसके बाद आते हैं अपने किचन में। तो किचन का साइज़ मैंने रखा है 6 फीट गहराई और 9 फीट 4 इंची चौड़ा रहेगा, 9 फीट 4 इंची चौड़ाई मिल जाएगी। तो जैसा प्लाट का साइज़ था वैसा मैंने किचन बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा साइज़ में किचन मिल जा रहा है आपको, छोटा नहीं है ये। इसके बाद जो है ये डोर रहेगा इसका किचन का, ये 3 फीट का रहेगा। तो ये हो गया किचन। इसके बाद आते हैं अपने दोनों बेडरूम में। तो बेडरूम का जो साइज़ मैंने रखा है रहेगा 9 फीट 4 इंची चौड़ा और 11 फीट गहराई मिल जाएगी इसमें, ये भी रहेगा 9 फीट 4 इंची चौड़ाई रहेगी इसकी और 11 फीट गहराई। और इन दोनों बेडरूम के डोर का साइज़ मैंने 3 फीट का रखा है, इधर भी 3 फीट रहेगा। तो ये हो गया साइज़ सबका। ये देख लेते हैं इसमें कितने कॉलम यूज होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें मैंने टोटल 12 कॉलम यूज किया है, कॉलम यूज हुआ है। और इसका जो आउटर वाला ये भी रखा गया है 5 इंच का, और इनर वाल भी 5 इंच का रखा गया है। तो कैसा लगा आज का प्लान कमेंट में बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।